सो स्कॉर्चर के पिछले एपिसोड के अंदर आप सभी ने देखा था कि फाइनली जो है हम लोग ने जो है टेम कर लिया था इस प्यारे से डायनो को जो कि हमारा थॉनी ड्रैगन था। और तुमने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि कितनी ज्यादा मेहनत हम लोग को करनी पड़ी थी भाई इसको टेम करने के लिए, कितना दूर हमें जाना पड़ा था। इसके बावजूद हमने और एक डायनो टेम किया था। हाँ जी, ये मेरे खंधे में भी कहा चला गया। सो इसको हमने जो है टेम कर लिया था जो है वल्चर, जो मेरे खंधे पे बैठता है। एंड बेसिकली ये एज ए शोल्डर टेम काफ़ी अच्छा है। लाइक अगर तुम पे कोई डायनो विनो अटैक करेगा तो ये अच्छी खासी हेल्प कर देता है। बाकी इनके लिए जो है पिछले एपिसोड में मैंने कुछ नेम्स मांगे थे, तो अभय गेमर्स ने मेरे को काफ़ी अच्छे नेम्स बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग जो है थॉनी का नेम रख सकते हैं सैंड श्रू। सो सैंड श्रू जो है हम इसका नेम रख सकते हैं, एज सैंड श्रू एक पोकेमॉन था एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था इसके लुक से, जो कि एक पोकेमॉन था उसके भी ऐसे ही क्या बोलते हैं ये जो भी निकले इसके वो थे जो भी था बहुत प्यारा था। ऑल्सो एक बहुत प्यारा नेम आया वल्चर के लिए जो कि है वाइपर। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ये काफ़ी अच्छा नेम है हमारे वल्चर के लिए। सो यार आज से हमारा प्यारा वाइपर, नाइस वाइपर मेरे हमेशा कंधे पे रहेगा एक प्यारा सा नौकर बनके, जो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा बाकी डायनोस से क्या बोलते हैं मेरे को बचाने के लिए। ऑल्सो यहाँ पे मैंने जो है कुछ बहुत ही प्यारे म्यूटेशन वाले रैप्टर्स निकाले हैं, जिनमें से मैं तुम्हें म्यूटेशन वगैरह दिखा देता हूँ। देखो इनमें इसमें 4 और इसमें 8 म्यूटेशन से एंड एवरेज है, लाइक बहुत पावरफुल नहीं लेकिन पहले रैप्टर्स से काफ़ी ज़्यादा बेटर ही है भाई। इनकी स्पीड, इनका डैमेज भाई अलग लेवल पे भाई। ऑल्सो मैंने इन्हीं की ब्रीडिंग से जो है बाकी अच्छे लेवल के रैप्टर्स को निकाल लिया है, तो मेरी रैप्टर आर्मी थोड़ी अभी पावरफुल है। पहली वाली एकदम न्यूबी थी जो स्टार्टिंग के लिए अच्छी थी, बट अभी फिलहाल हमें थोड़े पावरफुल रैप्टर्स की जरूरत थी। सो एक मैंने अपने लिए निकाला और एक मैंने एक्स्ट्रा हैरिकेन निकाल के रखा है। ऑल्दो कभी वाइपर आता है तो उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा रैप्टर निकाल के रखा है। और इस बेशरम को देख लो भाई यहाँ पड़ा हुआ है। नेवर माइंड। सो आज के इस एपिसोड में फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? सो मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों ना आज के इस एपिसोड में फाइनली हम एक फ्लायर को टीम करें, जिसके लिए मैंने जो है टेंट्स वगैरह अपने पास बना के रखे थे जो कि मैंने पहले ही बनाए थे। लेकिन हमारे पिछले एपिसोड में प्लान थॉनी ड्रैगन को टेम करना था, एज वो काफ़ी ज़्यादा वुड्स देता है एंड सीरियसली वो भाई अलग लेवल पे वुड्स कलेक्ट कर रहा है। बाकी मेरा डियोर, हाँ बोला मैं वही सोच में डियोर, अरे यार ग्लिच क्यों हो जाते हैं वही नहीं समझता। इन लोग को चलने को बोला गया रहता है और ये बंदे भाई ऐसे ग्लिच हो जाते हैं, चलेगा हाँ। ऑल्सो यहाँ पे मैंने कुछ टेलीपोर्टर्स लगा दिए हैं एंड हमारी फार्मिंग अच्छी खासी चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक, अरे यार एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हमारे फार्मिंग के लिए हमको चाहिए पूपीज, और पूपीज को कहाँ से लेके आए भाई? हमारे पास ये है क्या कहते हैं उनका नाम क्या था। ऑल्सो मैंने यहाँ पे म्यूटेशन किबल का ये भी लगा के रखा है जिससे म्यूटेशंस मिलने में आसानी हो। ऑल तो मेरे पास ज़्यादा किबल्स है नहीं तो जल्दी हम बना नहीं सकते। ये रैप्टर का एक यहाँ पे जैसे आया भाई, और को ये उठा के मैं रख देता हूँ क्योंकि किबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है इनसे। इसको हम लोग जो है यहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर स्पार्क पाउडर नहीं है। ऑल्सो मैंने ना हमको ये इन्वेंट्री खोलने पे ऐसा ग्लिच क्यों होता है मेरे को वही नहीं समझता है। ये क्या है, ये नया कुछ ग्लिच आ गया है क्या भाई? ये मेरे साथ कब से हो रहा है मैं देख रहा हूँ, ये बहुत वियर्ड है। अबे चलो हमें ना यहाँ पे एक टेलीपोर्टर बनाना है गाइस, ये टेलीपोर्टर का रिमोट, लेकिन वो नहीं बन रहा है यार, उसके लिए ना सामान नहीं है हमारे पास। हमें इसके लिए सीमेंटिंग पेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीमर, ये सारी चीज़ों की जरूरत है और ये सारी चीज़ें हम रैप्टर पे नहीं लेके आ सकते। इसके लिए हमें एक फ्लायर की जरूरत है जो कि आज हम टीम करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले जो है इन दोनों को अंदर लेंगे, एज एक मेरी हेल्प करेगा और एज एक पे मैं जो है राइड करूंगा। इनके लिए मेरे को अच्छे नेम बता देना, ये मेरा क्या बोलते हैं मेन टीम होगा, इसी पे मोस्टली मैं जो है मैं तो फिलहाल इसी को यूज़ करूंगा। तो मेरे को इसके लिए नेम बता दो। हैरी वगैरह जो है वो अपने रैप्टर के लिए नेम खुद रख लेगा अगर वो आता है तो। हम एक फ्लायर टीम करने वाले हैं जो कि है हमारा वो लिमेंटिया करके जो भी था, ठीक है वो आता है एल पे, ये रहा ओके। इसको सर्च करने पे एक 120 लेवल का भाई, यार ये चीज़ें इतनी दूर क्यों होती है, पास में नहीं है क्या यार, इतना दूर नहीं पड़ता जाने को, कोई बात नहीं चलो ओके। इसके लिए हमको जो है भाई मेरे को उसका लोकेशन भी नहीं दिख रहा यार, हाँ अब दिख रहा है 39 ओके, ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर दूर मेरे को जाना है। ऑल्दो मेरे रैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्पीड है तो मेरे को इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लो लेवल के करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनका मोस्टली स्टैमिना वगैरह का सीन होता है। लो लेवल का मैं अगर करूँगा तो वो एक अच्छा फ्लायर नहीं होगा, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए हम सीधा हाई लेवल के लिए जाने वाले हैं। ओके यहाँ पे इक्वस भी है, रुको रुको क्या मैं इस इक्वस को टेम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक इक्वस चाहिए है। ये 16 लेवल का यार, बट इसको क्या करूँगा, कहाँ गया वो? अच्छा मेरा
वैसे मेरा मन है इक्वस टेम करने का, लेकिन ये सिर्फ 16 लेवल का है, सो लिव इट, बिकॉज मेरे को अच्छे खासे वेजिटेबल्स चाहिए इसको टेम करने के लिए। ये ऐसे वो बेरीज बीरीज पे नहीं होता भाई, इसके लिए वो गाजर बीजर लाने पड़ते हैं। और मेरे को वही चीज़ नहीं समझी, मेरे को प्लीज़ कोई हो सके तो बता दो कि मैं जो है क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स कहाँ से लेके यार इसमें, ना इसमें कोई जगह है। लाइक इसमें हमने वो सीरीज खेली थी जो बीच में रुक गई, आई नो, बट क्या नाम था उसका, हाँ वेलगेरो, वेलगेरो, हाँ वेलगेरो हमने खेला था। तो उसमें वेजिटेबल्स की लाइक जगह होती थी, जहाँ अगर हम भले क्रॉप प्लॉट्स में ना उगा पाए तो हम लोग एटलीस्ट जो है वेजिटेबल्स लेके आ पाते थे। रुको मैं तुमको मैं इसका डैमेज दिखाऊंगा, ये भाई इसका डैमेज ना, ये देखो भाई साहब 60 लेवल का क्या इजीली मार देता है। तो रैप्टर तो मेरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि हम लोग वेजिटेबल्स कहाँ से लेके आएंगे। एज वेजिटेबल्स का वही सीन था, तो वेलगेरो वगैरह में तो एक जगह थी वहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह, शिट शिट शिट, कैप्रोनी, रैप्टर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, कैप्रो से मंगा नहीं लेना है। ऑल्सो हम लोग जो है कुछ एपिसोड्स के बाद ना ये लोकेशन को चेंज करेंगे, हम जो है एक बहुत ही बड़ी और प्यारी लोकेशन पे जाएंगे, जहाँ हम बहुत बड़ा बेस बनाएंगे अपने लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद ये बेस मेरे को छोटा पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए मैंने उसे अपग्रेड तो कर दिया, बट रेक्स वगैरह आने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं उस बेस में रह पाऊंगा। सो इट्स बेटर इफ हम जो है अच्छी जगह पे शिफ्ट करें। तो इफ तुम्हारे पास अच्छे कोऑर्डिनेट्स है स्कॉर्चत को लेके, अच्छी लोकेशन से, तो प्लीज मेरे साथ शेयर कर देना। A few moments later. 32 लेवल का है। एक काम करते रुको इसको मार डालते, क्योंकि रेक्स वगैरह को मारने से मेरे को एटलीस्ट लेवल तो अच्छा मिलेगा। इसका डैमेज कितना पता है? मर जा। अरे मर क्यों नहीं रहा ये, इसका हेल्थ कितनी उसकी ज़्यादा है। ये 32 लेवल का हो गया, इतना पावरफुल कैसे हो रहा है? अरे मेरा तो डैमेज भी अच्छा खासा है, मर रहा है। अच्छा इसके पैर पे ज़्यादा डैमेज शो नहीं होता था, टकले पे बिल्कुल दिख रहा था, पैर पे दिख नहीं रहा था। इससे मेरे को लेवल नहीं मिला, और जो मेरे रैप्टर का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है फिलहाल। भाई यहाँ पे कितने ज़्यादा, ओके वो वहाँ पे चढ़ना है हमें, यहाँ से जाने में ना दिक्कत बहुत होने वाली है। प्लस ओके यहाँ पे एक टेम्परेचर अभी है, अरे हम वो पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? आई थिंक हमें ग्रैपलिंग लेके आना चाहिए, डोंट यू थिंक? यार इसीलिए टेलीपोर्टर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हट जा, मैं बहुत गंदा मारता हूँ। हम उसको ले तो नहीं सकते वैसे, ओके हम यहाँ से चढ़ सकते हैं। नहीं यार ये ऐसे नहीं चढ़ेगा भाई, ये कहाँ तक चढ़ेगा चढ़ चढ़ के भाई, ये ऐसे कैसे कोई क्रॉस कर सकता है यार? अरे रुक रुक जा यार, ये पहाड़ ऐसे चढ़ने लायक नहीं है भाई, देखिए देख गिरते जा रहा है। बसना भाई, ये कहाँ से चढ़ूंगा यार इस पे मैं? ओके वहाँ पे भी एक लेमेंटिया है, मेरे को आई थिंक इतने दूर का लेमेंटिया नहीं ढूंढना चाहिए था, बहुत ज़्यादा दूर है यार ये लोग। ऑल्सो मेरे रैप्टर की हेल्थ में बहुत कुत्ते की तरह उड़ा रहा हूँ, पता नहीं जैसे दहेज में मिली है मेरे को। पता कैसे? नहीं इसको नहीं मारते, सामने कराता है। रुको एक सेकेंड, हम जो है इसको फोर्स फीड कर देते हैं, क्योंकि इसकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही गिर गई है। वेल हम लोग को ऊपर जाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, स्टिल मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ, बट ये उसके बाद इतना नीचे गिरते जाता है, कितना नीचे गिरते जाता है पूछो मत। तो यहाँ से चढ़ने के लिए भी जगह नहीं यार, मैं कैसे जाऊँगा उस जगह पे ऐसे? अरे यार ये एक तो ये गिरना शुरू करता है, रुकता ही नहीं यार ये बंदा। अरे यार कैसे जाऊँगा उस साइड में मैं? 16 लेवल का है अभी गाइस, मेरे हिसाब से हम लोग उस साइड नहीं जा सकते, मैं कोई भी वे से वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि ये पहाड़ बहुत ऊँचा है यहाँ पे। यार ये कहाँ से आ गया यार, अवेयर तो कर दिया करो। ये चढ़ रहा नहीं, चढ़ रहा यार ये, फिर गिरेगा, अभी गिरेगा, वो आएगा नहीं आ रहा। अरे यार ये बंदा एक तो कूदता इतना ऊंचा है ना, सुनो ये प्लान बेकार है हमारे। ओके ये कहाँ, ओके वो पत्थर वो है ना जो अभी क्या दे रहा। अरे यार ये कहाँ से आया? अरे यार देखो औका दे तेरी मेरे को मारने की। ओके मेरे हिसाब से हमें वो वाला नहीं चूज़ करना चाहिए, प्लस एक ग्लिच को शॉर्ट करके दो यार। हमको जो है 100 भाई 112 का जब वहाँ पे था तो मैं इतना दूर काई को आया। गया नहीं गया यहाँ पे ना भाई स्कॉर्चर के अंदर तुम्हारे पास फ्लायर होना इंपॉर्टेंट है, एज इनकी ये हड्डियाँ किसकी, ये कौन सा डाइनो इतना बड़ा जो मरा है? गीगा भी इतना बड़ा नहीं होता, ऐसा होता है बट इतना भी नहीं होता। अरे यार यार डायरूल वगैरह बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो हमें इसमें कुछ केव्स भी करनी है, बिकॉज हमें आर्टिफैक्ट्स की ज़रूरत है। बॉस फाइट करने के लिए हमें अच्छी खासी प्रिपरेशन भी करनी है। डोंट वरी, इस बार मिथिक्स कहीं नहीं जाने वाला, इस बार ये सीरीज़ ख़त्म करके छोड़ेंगे।
जो तुम लोग टैग देके रखे हो ना सीरीज कंप्लीट ना करने का, इतनी गंदी सीरीज कंप्लीट करके दूंगा ना तुम लोग को। तुम अपने 200-300 अकाउंट से सब्सक्राइब ना किए मेरे को तो देखना। बोलोगे भाई तुम तो महान हो यार। अरे यार तुम क्यों आ जाते हो। ओके एक लेवल आया है हमारा, नहीं आया रैप्टर का, आया है रैप्टर के एज में पड़ता है। ओके यहाँ पे मिल गया। भाई कहाँ था यार तू इतने टाइम से। ओके सो पहले काम करेंगे, पहले हम इसको पैसिव करेंगे एंड हमें इसे इसके अंदर फंसाना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। नहीं रुको, मैं देख के आया भाई, मैं गलती नहीं करना। इसके लिए इसको पहले नीचे आने दो क्योंकि हमारा टेंट यहाँ पे लगना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी कि टेंट कहाँ लगेगा, उस हिसाब से यार। एक तो सरफेस पे ज़्यादा देर रहेगा नहीं यार, प्लीज़ लग जाना कहीं तो प्लीज़ यार। ओके आई थिंक यहाँ पे लगे, नाइस। सो यहाँ पे बेसिकली हम इसको बोला करेंगे, उसके बाद में हम जो है टेंट को इसके नहीं ना। ओके रुको, यहाँ पे लग रहा था ना। अरे यार ये कहाँ से आ गया, तू मुंह क्या देखते रहता है यार। वो उड़ जाएगा, नहीं ना उड़ जाएगा। उड़ गया भाई। रुको। अरे लगना है, यहाँ पे लग रहा था। रुको ये भी सही है आई थिंक। हाँ चलो बहुत सही, नाइस, नॉट नाइस। पिकअप कर लो भाई। रुको ये उड़ना नहीं चाहिए यार, नहीं उड़ा नहीं वैसे। अरे यार ये उड़ गया यार एंड मोमेंट पे। नहीं रुक जा। गिर। अरे यार गिरना। अरे यार बोला भी खत्म हो गई, बना के क्यों नहीं लेके आया मैं। प्यास भी लग गई, प्यास के लिए तो पानी है, बट यार वो भाग गया। हाँ यार रुको, बेस पे जाके है ना यार, इसने गेम खराब किया सारा। रुको गाइस मेरा बेस इधर से पास ही है, मैं जाके कुछ बोलास बना के लेके आता हूँ। भाई मैं बहुत ज़्यादा नूब हूँ इन सब चीज़ों में, पता नहीं हूँ बस बहुत ज़्यादा। अरे नहीं तो जैसे मेरे को नहीं कूदना था भाई यार, इसीलिए ना तुम्हारे पास टेलीपोर्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, ये क्यों निकल गया। ठीक है चलो आ जाओ भाई, तेरी ही कमी थी यार। मैंने मेरी ज़िंदगी चली जाएगी यार ऐसे तो, बहुत गंदी वाली जाएगी। ऑल्सो गाइस मैं ना कुछ दिन से बीमार था, इस वजह से वीडियोस भी नहीं आ रही थी। पूछा भाई बहुत बुरा हाल है मेरा, उसके बावजूद भाई मैं कैसे कैसे तो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को ही नहीं पता मैं कैसे खेल ले रहा हूँ भाई इस गेम को। ओके रुको, सबसे पहले काम करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे बोला, ठीक है। सबसे पहले रुको बोला बनाएं, तो बोला हम बनाएंगे 6, ठीक है। 6 बोलास हमें एटलीस्ट चाहिए क्योंकि वो भाई कितने बार भी मिस होता है, वो सीन नहीं चाहिए मेरे को। ऑल्सो है हमारे पास दोनों टेंट है, टेंट्स का कोई सीन नहीं है, टेंट जैसे कि वैसे ही है। ऑल्सो हमें और एक चीज़ की ज़रूरत थी ना गाइस, इस बार बहुत ज़्यादा। अरे यार मैं ऊपर चढ़ गया, तू नीचे क्या कर रहा। मैं गिरूंगा नहीं। अरे यार ऊंचाई से नहीं कूदते, किधर है वो। अरे यार किधर, पहले जा तू पहले में चाहिए नहीं तुम लोग मेरे को यहाँ पे, बहुत दिक्कत दे रही है। ओके हम इसको पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लाइक ये काफ़ी ऊंचाई पे है बट स्टिल आई थिंक अगर हम परफेक्ट थ्रो करते हैं। अबे यार ये डॉच क्या, इसके पास कोई दिमाग तो है नहीं भाई। ओके 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 रुको, अब हम टेंट लगा सकते हैं। एज ये बहुत क्लियर सरफेस पे, सीरियसली क्लियर सरफेस नहीं है ये, कह दे भाई ये क्लियर सरफेस नहीं है। ओके लग जाएगा। ओके ये आ चुका है इसके अंदर, वेरी नाइस। अभी एक काम करेंगे हम, मैं क्या सोच रहा हूँ, रुको पिछले बार ना सीन हो गया था तो हम जो है इस बार यहाँ से भी लगा देंगे, किसी एक में तो फंसी जाएगा। एक काम करते हैं अभी हम जो है इसका बोला रिमूव करेंगे। अरे यार इसको भूख क्यों लगी है। ओके लेट्स सी कि ये फंसता है कि नहीं अंदर। अबे यार तू क्या है यार ये बंदा। इसमें वापस बोला नहीं होता, मैं भूल गया था। मैंने अपना वाइपर भी छोड़ दिया ना, फिर भी तेरी औकात दिख जानी है। अबे यार ये बहुत घटिया लोकेशन पे जा रहा है, शिट यहाँ पे तो सर्वाइवल है ही नहीं इनको। तुम सब दूर रहो तुम सब दूर रहो। ओके आई नीड माई रैप्टर हियर अरे यार रैप्टर निकल ही नहीं रहा। अरे बाप रे भाई, क्या हो गया। वल्चर गो, इट्स योर टाइम बेबी। आ बचा यार कोई, वाइपर गया है मार। अरे तू क्यों पीछा रहा है मेरे वाइपर, वाइपर 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 बचा, वाइपर बचा, वाइपर बचा, वाइपर कहाँ है यार मेरा। रुक जाओ, वो सब लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, मैं यहाँ पे इसको टेम करूँगा। ओके एक और बार कोशिश करते गाइस, लेट्स सी। मेरा स्टैमिना भी फंस गया भाई, ये बहुत मुश्किल क्यों होते जा रहा है ये।
ये मुश्किल नहीं था यार। ओके रुको, हम एकदम एच पे लगाएंगे, सो मे बी इट विल वर्क। ऑल्सो हम यहाँ पे नहीं लग रहा अभी। ओके लग रहा है। ओके दोनों लगा दिया मैंने इस बार, बस ये नहाने के लिए। अरे यार इसको भूख क्यों लगी इतनी ज़्यादा, खा ले 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 ले, ठूस ले पूरा पूरा खूब ठूस ले। आ नहीं ना, वाइपर वाइपर किधर है मेरा? ओके वो आई थिंक फंस चुका है। रुको 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 वाइपर, तू क्या कर रहा है बाबा यहाँ पे? मार दिया तूने। और वो कहाँ पे रैप्टर? अबे रैप्टर का, अरे यार, अरे यार ये बहुत इरिटेटिंग है भाई ये डायनासोर। ऐसे नहीं, अबे यार इसका प्रॉब्लम क्या है, ये फंसता क्यों नहीं है इसके अंदर? अबे 10 बार तो कोशिश कर चुका हूँ मैं, और कितना करूंगा, मैं फंसने का नाम ही नहीं ले रहा वो। ओके ये वापस एक बार नीचे कर चुका है, ये कर वो सब कर, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके एक नहीं 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 रैप्टर नहीं रैप्टर नहीं नहीं ना रैप्टर यार, क्यों कर रहा है मेरे भाई, क्यों अलग से क्यों क्यों मार रहे हैं उसको यार, क्या किया इस बंदे ने तुम सकता है? अबे यार वल्चर वल्चर जा बेटे, वल्चर जा वल्चर जा वल्चर वल्चर, अरे वल्चर मारना इसको बेटी अंधे। ओके रुको हम इसको इसी में फंसाएंगे अभी, ये उड़ने की फिरात में है। आई डोंट केयर, नहीं ना यार नहीं ना, हाँ तू खुद खेल ऐसे ही भाई। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है मेरा, बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बोल सकता, मेरे पे लास्ट बोला बचा है, एक लास्ट बोला मैं फिर भी इधर ही बना सकता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्या लगेगा मेरे को इसके लिए थैच। ओके फाइन रुको एक काम करते गाइस, हमारे पास फाइबर के लिए सिकल है, इसको विसल नहीं रखना, इसको न्यूट्रल रखते हैं बेसिकली, पहले इसको पैसिव करेंगे एंड देन इसको न्यूट्रल करेंगे। ओके फाइबर्स मैं ऐसे कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल्सो हमें कुछ थैच की ज़रूरत है जो हमें यहाँ से मिल जाएगा। मेरे को असेंडेंट के आइटम्स चाहिए भाई, असेंडेंट के आइटम्स के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को इसमें, मेरे को ये भी चीज़ थोड़ी बता देना। हाइड्स स्टोन्स लगेंगे हमें मोस्टली, क्योंकि बोला आज मैं अब इसकी स्टोन होता हूँ तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इतने स्टोन्स आई थिंक सफिशेंट है, एंड रैप्टर्स में से हाइड लेके हम कुछ बोलास बना लेते हैं, बन ले भाई साथ के साथ, आई डोंट केयर बन ले। यार भाई एक लेमेंटिया टेम करना इतना ज़्यादा मुश्किल कैसे हो सकता है भाई? मैंने वीडियो में तो यही देखा था लोगों की कि लोग ऐसे ट्रैप लगा देते हैं उसको, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को उसको बोला करके फिर ना सीधा नॉकआउट ही डालना पड़ेगा। ऑल दो ये मेरे पास वैसे तो लॉन्गनेक है तो मेरे को नहीं लगता मेरे को इतना टाइम लगेगा, लगना तो नहीं चाहिए, क्या पता मैं कर दूँ नॉक। रुको बाहर में गई चीज़ है, सीधा नॉक करेंगे ये, इसको वैसे 30-40 सेकेंड तक ये रहता है, आई थिंक उतने में हो जाना चाहिए। लॉन्ग नेक नहीं यार, इसकी एच पी बहुत गंदी गई है यार, इसको बहुत डैमेज दिया है, स्पेशली मेरे रैप्टर का डैमेज बहुत ज़्यादा है, रैप्टर इसको मार चुका है इसलिए मेरे को चांसेस तो नहीं लग रहे, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके भाग रहा है ये। ओके भाई प्लीज़ नॉक हो जाए यार, भाई प्लीज़ नॉक हो जाए, प्लीज़ 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 भाई प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ भाई प्लीज़ प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे यार। अरे यार ये बहुत दूर भाग रहा है यार ये, और बहुत ज़्यादा तेज़ है वो, और नहीं यहाँ पे मैं अपना रैप्टर छोड़ के पूरी नहीं भाग सकता यार, मैं इतना दूर, ऐसे नहीं होता यार, इसको कैसे टेम करूँ यार मैं? अब जब तक उसका टॉर्पर है वो भागते रहेगा, वो नहीं रुकेगा, और टेंट्स में वो जा ही नहीं रहा, ये मेथड बेकार है, या पैच हो चुकी है। ओके ये बहुत ज़्यादा दूर चला गया है वो, बट आई थिंक मैं रैप्टर पे उसको नॉक करने का स्टिल ट्राई कर सकता हूँ, बट ये लोग इतने ज़्यादा पीछे पड़े आते हैं ना तो नहीं हो पाता यार, ये लोग बहुत दिक्कत देते हैं, सब बहुत इरिटेटिंग है यार, ये बहुत इरिटेटिंग है। ओके वो यहाँ पे कहीं तो है, फाइन आई कैन ट्राई अगेन, इस पर ऐसे शॉट्स नहीं बिठते हुए, ये उड़ के बहुत डिफिकल्ट है। रुको सबसे पहले एक काम करेंगे, बाहर आ, सबसे पहले तू बाहर आ, तुम दोनों न्यूट्रल रहो और तुम दोनों जो है मेरे को फॉलो करोगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई वो बाकी डायनोज आते हैं ना तो मैं एटलीस्ट मेरा दूसरा रैप्टर तो मारेगा, और ये इस पर नहीं बैठूंगा, मेरा रैप्टर बैठूंगा। कहाँ पे वो? अरे यार एक तो पत्थरों पुत्थरों पे बैठ रहा है, नीचे भी नहीं, अरे देखा मार अभी एटलीस्ट इसे मारेगा तो सही, उसको चोरी किया इसने,
यार ये बैठने का नाम भी नहीं ले रहा है। मेरे पे बोला तो मैंने बना लिया। प्रॉब्लम मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि वो टेंट में जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने तो देखा था बहुत ज़्यादा ईजी था और मेरे वक्त वक्त ही नहीं कर रहा। अब ये नीचे ही नहीं आएगा भड़ा भाई, ये दिख ही नहीं रहा है। ये देखो मैं ऐसे बोला फेंक दिया, बहुत सही। अरे उसके ऊपर नहीं जाना था ना बेवकूफ। यार ये क्यों प्रॉब्लम दे रहा है यार, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। शिट पानी भी खत्म हो गया, बहुत सही। आओ आओ इधर आ। अरे हट ना यार, क्या मेरे साथ होता रहता है ये सारी चीजें, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स मेरे। अरे कैसी जगह पे फंसा है, जिंदगी में टेंट नहीं लगेगा इसको यहाँ पे। अबे चल ना यार, देख रहे हो यहाँ पे टेंट नहीं लग रहा यार। फंस गया, ओ फंस गया फंस गया फंस गया। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं निकलना इसके लिए, पॉसिबल ही नहीं है। ओके एक काम करते हैं, सुनो। यार इसको प्यास भी लग गई है यार। शिट शिट शिट, नहीं नहीं नहीं, उड़ना नहीं उड़ना नहीं। बेसिकली हमारे रैप्टर्स जो है फिलहाल प्यास ही रहेंगे। मैं काम करता हूँ, मैं पहले इसको नॉक करूँगा, उसके बाद में भाई मैं पानी पीने जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि ये उड़ जाए। ओके ये ऑलरेडी भाग रहा है, ऑल्दो ये भागता ही है, बट ये वो वाला फ्ली नहीं है, ये नार्कोटिक वाला फ्ली है, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी कुछ एरोज मार चुका था। तो आई थिंक ये जो है नॉक हो जाएगा जल्दी से, होपफुली। रुको, अरे हो जा यार भाई, मत परेशान कर भाई। ये पता, ये फिर भी इसीलिए फंसा है क्योंकि पीछे दीवार थी, वरना ये बंदा ग्लिच से निकल जाता। मेरे को तो समझ ही। ओके अनकॉन्शियस हो गया, बहुत सही। एक काम करते हैं, किसी एक रैप्टर पर राइड करते हैं। अरे ग्लिच नहीं होना। और यहाँ पे ना पहले कोई पानी का सोर्स देखने दो मेरे को, इसके पास मैं आ जाऊँगा। इसको कोई नहीं मारने वाला इतनी कोने कापरे में जाके। अरे चलना यार, अरे पीना यार, इसमें भर देते, ये नहीं भर रहा क्यों। अरे यार अरे बाप रे, इसको 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 इसको, 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 इसको। इनको मारने दो, मैं तब तक थोड़ा बहुत पानी पी लेता हूँ। ऑल्सो मैं अपने कैन में भर देता। अबे तुम लोग पागल हो गए यार, क्यों इरिटेट कर रहे हैं भाई सब मिलके कब से। अबे यार ये कहाँ से आ गया। मेरे को नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ यार। यार दिमाग खराब कर दिया भाई इन लोग ने, इतने इरिटेटिंग है ना भाई ये सब के सब। भाई मत पूछो, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा, हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को भी, पता है। ओ फाइनली चलो, हाँ एक काम करेंगे, रुको पहले कुछ बेरीज कलेक्ट करेंगे, एज ये लोग जो है बेरीज खाते हैं। ऑल्सो थॉर्नी ड्रैगन का केवल ये लोग खाते हैं, लेकिन उसके लिए थॉर्नी को एग देना पड़ता है, और जबकि मेरी थॉर्नी फीमेल है उसके बावजूद भी उसने एक भी एग नहीं दिया है। पता नहीं मेरा सेंश्रू ऐसा गायको करता है, बट मेरे को एक भी एग नहीं मिला उससे, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। एग का कुछ मेरे को स्पीड वीड बनाना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ मेरे को बता देना, क्योंकि मैंने नोटिस किया बहुत बार ना पीसी में एग्स ही नहीं मिलते, या फीमेल्स नहीं देती, ऐसे फर्टिलाइज्ड ही मिलते हैं इसमें, ऐसा कुछ तो सीन रहता नहीं है। रुको इसमें कुछ मेजो डालते हैं, ये डालते हैं, तू खा ले भाई, तो भूख बहुत लगती है। लेट्स सी, ये 4% हुआ है भाई, इसको टेम होने में तो ज़िंदगी लग जाएगी। और मेरे पास वही वेजीज ही नहीं है भाई, वेजीज होंगी तो कैसे एटलीस्ट मैं जल्दी जल्दी टेम कर पाऊँगा, बट सैड पार्ट यही है कि वेजीज ही नहीं है हमारे पास। और रुपया से कुछ बेरीज कलेक्ट कर लेते जितनी हो सके। हमारा एक क्रैफ्टर जो है वो सैन वाला उधर कहीं तो खोया हुआ है, बट ठीक है, उसका लेवल काफ़ी अच्छा है तो मेरे हिसाब से खुद को संभाल ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 6.9 ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं हो रहा है, बट ठीक है। ये सब बेरीज दे देता हूँ, एंड इसका टॉर्पर वैसे बहुत ही गंदा गिरेगा, बट हमारे पास नार्कोटिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैं, चलो इसको अभी जो है टेम होने देते हैं। ऑल्सो हमारा एक रैप्टर कहाँ पे गया वही देखना पड़ेगा यार, वो बंदा कहाँ रह गया, उधर नीचे कहीं तो रह गया। अरे चढ़ना यार, क्यों गुस्सा दिला देते यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देते, कहाँ रह गया वो बंदा। हाँ कोई बात नहीं, चलो इसको होने देते भाई, बहुत बहुत इरिटेट कर दिया भाई इसने टीम होते हुए, बट कोई नहीं फाइनली हो रहा है, अभी देखते हैं कितना टाइम लेता है। 3% हो रहा है इफेक्टिवनेस की, तो वैसे ही कुत्ते की तरह नहीं वाट नहीं लगी है मेरे को, 54% हुआ है। 97% इफेक्टिवनेस है तो ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं है, 100 तो वैसे भी कभी मिलती नहीं है, प्लस अच्छी चीज़ें होती है तो इफेक्टिवनेस मिल भी जाती है, बट ये साला ये सब खिलाना पड़ रहा है, क्या ही कर सकता मैं। ये अभी बारिश पड़ने का मौसम आ गया है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास तो टेंट है, एक्स्ट्रा टेंट लेके आया था। दो टेंट है, एक टेंट में मैं रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हम इससे वेदर से बच के तो रहेंगे।
तो फिलहाल बारिश हो रही है और बारिश का इतना बारिश हो रही है तूफान आ रहा है भाई, इलाका तो बहुत गंदा डराना लग रहा है। ये फिलहाल 40% हो गया है एंड इसका टॉर्पर ठीक ठाक ही उतर रहा है, बट स्टिल हम इसको थोड़ी बहुत नार्कोटिक खिला दे रहे हैं। नार्कोटिक की कमी नहीं भाई, नार्कोटिक 100 बन जाएगी, लेकिन ये उठना नीचे क्योंकि भाई ये, अरे रुको इसमें मेजोबेरीज पूरी कर देंगी। मेजोबेरीज बेस्ट होती है इफ तुम्हें ये करना है तो, यहाँ पे जितनी मिली गई ले लेंगे। तू क्यों पीछे आ रहे हो? बस इतनी थी वो, क्या ट्रैक हो रहा है बे? अच्छा अच्छा मैं वही सोचूं कि ये क्यों ट्रैक हो रहा है यहाँ पे। अच्छा दूसरा वाला एक 120 लग रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको तो अपन टेम नहीं करने वाले, बहुत हद से ज़्यादा दूर है बे। देखता हूँ मैं, जमा तो मैं वो भी कर लूँगा स्ट्रीम में ऑफलाइन में। ऑल्सो मेरे को बंदे बोल रहे स्ट्रीम करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि स्ट्रीम जो है कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं देखते, फिर उसके बाद उसी से आगे के एपिसोड्स डालते तो बंदे बोलते भाई ये प्रोग्रेस तुमने कब की, इसलिए मैं स्कॉलशिप की स्ट्रीम नहीं कर रहा, वरना आधा गेम तो मैंने अब तक स्ट्रीम में ख़त्म कर देना था। स्ट्रीम करना क्या बहुत बड़ी बात है, उल्टा जल्दी जल्दी गेम ख़त्म हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट बंदों को नहीं समझ में आता ना, फिर बंदे बोलते ये कहाँ से किया तुमने, वहाँ कहाँ से गए। उससे बेटर है भाई कि हम जो है सीधा क्या बोलते हैं एपिसोड्स ही कंटिन्यू रखें, इसलिए मैं इसकी स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये वेदर पता नहीं, ये शायद से तूफान आ रहा है या फिर बारिश आने वाली है। हमारे पास टेंट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, हम अंदर जाके बैठ जाएंगे तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम बाहर रहते क्योंकि दिक्कत तो कुछ है नहीं। और ये इसके आसपास भी कोई आना नहीं चाहिए। भाई ये व्यू क्या प्यारा लग रहा है, चांद देख रहे हो कितना नीचे जा रहा है भाई, ये क्या प्यारा लग रहा है ऐसा भाई भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई ये वेदर सच में। लाइक देखो ना क्या थंबनेल आया इसमें, क्या प्यारा लग रहा है भाई। ऐसा एक थंबनेल खींच के ना मैंने डालना है, लेकिन इसमें साला ये देख ही नहीं रहा है ये बंदा, ये है भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है अंदर। ओके ये अभी भी हो रहा है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। Day 2 फाइनली हमारा जो क्या बोलते हैं लेमेंटिया, इसको बुलाते कैसे बे, लेमेंट्रिया जो है हमारे उड़ने वाला कीड़ा, ये क्या बोलते हैं 99.2% हो गया। ये मैं बेसिकली देख रहा था, मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो मैजू बेरीज है उसके साथ ये 2.5% के आसपास होता है, बट नॉर्मल बेरीज के साथ ये सिर्फ 1.5% होता है, और लिटरली 1.5, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं, एकदम कटोकट 1.5, विच इज़ वियर्ड। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट पिछले हो गया टीम, रुक जाओ अंदर रह, बाहर नहीं आना, रुक जा तू तो आते ही उड़ने लगे अंदर आ। ओ भाई साहब फाइनली 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 हमने इसको टीम कर लिया भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसके लिए, क्या है इसके अंदर नहीं चाहिए। चलो फाइनल, अरे यार एक तो ये बंदा अलग से ट्रैकिंग करते रहता है, नहीं करना है ट्रैक, एक टीम कर लिया ना बहुत है। और चलो फाइनली, अरे यार अभी तो हटा जाना, हटना भाई नहीं चाहिए, बोला तो सही। हाँ सो मैं ये कह रहा था कि फाइनली यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट लेमेंट्रिया जो टेम कर लिया, और हमारा बेस यहाँ से काफ़ी क्लोज है, आई थिंक नहीं यहाँ से तो क्लोज नहीं है, कहीं अलग चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ बताया क्या, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमको ना, सुनो बेस पे चलो भाई, पहले तुम बेस पे चलो, बेस हमारा बेस कहाँ पे, यहाँ से हमारा बेस कहाँ पे बे? भाई कभी कभी मैं अपना खुद का बेस भूल जाता हूँ, मेरे को वही समझ में नहीं आता मेरा बेस है किधर। हमारा बेस आई थिंक वो वाली लोकेशन पे, उधर अंदर की साइड, हाँ उधर है हमारा बेस, क्योंकि वो मांग करते गो इनसाइड एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द सैंडस्टॉर्म। अबे यार ये कहाँ से अचानक आ जाता है बे, ये कहाँ से आ गया यार, ये अलग से आना रहता है भाई ये चीज़ों को। हम जो है हमारे इसको न्यूट्रल पे रखेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे ये लोग घूम रहे हैं और मैं नहीं चाहता हम पे अटैक हो। गाइस दो मिनट दो, मेरे को यहाँ पे सैंड स्टॉर्म हो रहा है और हम जो है कुछ कर भी नहीं सकते, बाहर का मैं माहौल तुम्हें दिखाऊँ तो देख लो, बहुत गंदा माहौल है। फाइनली हम लोग जो है हमारे बेस पे आ चुके हैं, एक काम करेंगे पहले हम यहाँ पे डॉक्टर को रखेंगे, और रुक जा तू फॉलो नहीं करना बेटी इसको, हम जो है स्टॉप का यार विसल ही नहीं मिलता है कभी कभी। चलो एक काम करते हैं, अभी जो है हम लोग हमारे लेमेंट्रिया के लिए सैडल बनाएंगे, जो कि आई थिंक मैंने ओपन किया था, हाँ मैंने किया था, ये इन्वेंट्री में बनता है तो ओके। इसके लिए आई थिंक रिसोर्सेस, अरे यार चिटिन क्रिएटिन ही नहीं है यार इसमें, ये चार पाँच ही देंगे भाई, इनसे क्या ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा यार ऐसे। रुको चिटिन क्रिएटिन, हाँ रुको, उसके लिए हम लोग किसको मार सकते हैं पता है, हम लोग उसके लिए स्कॉर्पियंस को मार सकते हैं, स्कॉर्पियंस से अच्छे खासे चिटिन विटिन मिल जाते हैं, और इनको मारते रहेंगे, इनमें से 3-4 चिटिन मिलते रहते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, इनमें से 5-10 भी मिलते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरी।
और ये लोग एक ही शॉट में मर गए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तू क्यों पीछे पड़ रहा है? ये होपफुली मेरे को इनको हैचेट वगैरह से अगर मैं लूंगा तो शायद ज़्यादा मिलेगा। भाई ये मर क्यों नहीं रहा है, कितने लड़का है? ओके तीन है, बहुत सही, इनमें से मिल ही जाना चाहिए। रुको, इनको हम जो है रैप्टर से हार्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि रैप्टर का जो रेट होता है वो डिफॉल्ट होता है। यार ये बंदे का मैं क्या करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आता यार। ओ 100 भाई बहुत है यार, काफ़ी कलेक्ट कर लिया। चलो कोई नहीं, काफ़ी मिल गया, बेस पे चलते हैं। भाई ये ऐसे क्यों रहते हो तुम लोग? फाइनली चलो हम लोग, हमारा रैप्टर पता नहीं ग्लिच कर गया है, ये जंप ही नहीं कर रहा है, पता नहीं काहे क्या हो गया भाई तुमको। अरे यार ये पहले भी होता था, ये द आइलैंड में होता था मोस्टली, और इसके लिए मैं कोई ये अटैक करता था। फिर जंप नहीं, चलो हमने यहाँ पे बहुत सारे, अरे रुको मैंने इसके अंदर से लिए, हमने बहुत सारे जो है यहाँ पे ये ले लिए नाइस। हाँ सो हमने जो है यहाँ पे बहुत सारे क्रेटिन्स कलेक्ट कर लिए, चिटिन कर लिए, ऑल्दो हमें क्रेटिन नहीं है, चिटिन्स हमने बहुत कलेक्ट कर लिए। और इनके लिए कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इनको चिटिन क्रेटिन कोई भी एक चीज़ चल जाती है। हाँ नसीब, मैं एक सेकंड के लिए डर गया, मैं बोला भाई मैं उसको वहाँ पे तो नहीं छोड़ के आ गया। अच्छा भाई फाइनली हम इसको राइड कर पाएंगे। कैसे चलता है ये दिखा। अरे यार ये बहुत प्यारा, ये इसका कलर भी नाइस, मैं पिंक कलर में टेम किया है, और ये आई थिंक एक फीमेल है तो ये इस पे सूट भी कर रहा है पिंक कलर, नाइस। भाई ये उड़ने में बहुत ज़्यादा प्यारे है, और ये रैप्टर मेरे को फॉलो नहीं कर रहा ना बहुत सी। इसके दो लेवल्स आए फिलहाल, हम इसके मूवमेंट स्पीड में पॉइंट डालेंगे। वेट इसका बहुत कम है, मेरे को वेट का कुछ करना पड़ेगा। बाकी ये उड़ने में बहुत ज़्यादा प्यारे है यार सच्ची में, ये क्या ही नाइस। फाइनली गाइस आज जो है हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्लेयर जो टीम कर लिया है। बाकी इसके अटैक्स वगैरह मेरे को पता है क्या होगा, सी दबाऊंगा तो नहीं। ओके ये ऐसे पाता है बस, और कुछ खास नहीं करता है। सी कर रहा था कि किससे कर रहा था बढ़िया, वो नहीं ये यार मैं तीनों बटन एक साथ दबा रहा, मेरे को वैसे अंदाजा नहीं आ रहा। ये लैंड ऐसे करता है नाइस, ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्या बोलते हैं मेरी जर्नी में, बिकॉज हमें एक फ्लायर की वैसे भी ज़रूरत है, और अर्जेंटाइस वगैरह फिलहाल हम टेम नहीं कर सकते, उसके लिए ट्रैप वगैरह बनाना एंड माउंटेंस पे जाना और वो सब मेरे फिलहाल लेवल की चीज़ें नहीं है। इसके लिए सिलिका पल्स रखते, ये अभी रिपेयर नहीं होगा क्योंकि मेरे पे पल्स बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ये रिसोर्सेस हम इसके अंदर रख देते हैं एंड कचरा जो है हम बाहर फेंक देते हैं। और भाई ये ग्लिच क्यों हो रहा है, ये ऐसा इधर जो साइड साइड में आ रहे हैं ना, ये पता नहीं क्यों आ रहे, क्या मेरा क्या ग्राफिक कार्ड ख़राब हो गया है जो ऐसा हरकत कर रहा है भाई। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारा है यार। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये इसकी फ्लाइंग स्पीड भी एवरेज है, लाइक बहुत तगड़ी नहीं है बट स्टिल ये काफ़ी जल्दी मेरे को यहाँ से बाहर लेके जाता है। और स्टैमिना वगैरह में मेरे को थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। ऑल्सो मैं ट्राई करूँगा ऑफलाइन में एक और फ्लायर को टेम करने का, ताकि मैं इनके ब्रीडिंग करके इनसे एक थोड़ा म्यूटेशन वाला अच्छा फ्लायर निकाल सकूँ, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड तक कोशिश करूँगा इनकेस हो पाया तो, और नहीं हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं हम इसी को यूज़ कर लेंगे। ये भी अच्छा ही है वैसे, बट इसका स्टैमिना वगैरह बहुत कम रहेगा, इसका स्टैमिना देख रहा इतने में इतना हो गया, तो ये ज़्यादा टाइम मेरे को हेल्प नहीं करेगा उड़ने में। तो मेरे को एक ऐसा म्यूटेशन चाहिए जिसमें स्टैमिना प्लस वेट जो है काफ़ी अच्छा, और मूवमेंट स्पीड हो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। बाकी फिर आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आज का जो एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी कोई भी ऐसा दिन तो रहा नहीं जो मेरे को स्कॉर्चत में या फिर कोई भी सीरीज में ऐसा मैं इजीली कोई चीज़ टेम कर पाता हूँ, बहुत दिक्कतें होती रहती हैं मेरे को, इस बार भी बहुत ही गंदी दिक्कत हुई। बट फाइनली हमने जो है हमारा फर्स्ट लेमेंटिया जो है यहाँ पर टेम कर लिया, जो कि एक इंसेक्ट होता है, एक बग है, और ये बहुत वियर्ड सा दिखता है। बाकी आज के लिए फिर बस इतना ही, होपफुली आज की जो वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेक श्योर इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल्सो हमारे लिमेंड्रिया के लिए एक नेम सजेस्ट कर दो, मैं मेल और फीमेल दो नेम सजेस्ट करके रखना मेरे को, एज मैं दो लिमेंड्रियाज को अपने बेस पे रखने वाला, मैं ट्राई करूंगा ऑफलाइन में पकड़ने की, वरना तुम सजेस्ट कर दो, बाकी जो भी सही लगे मैं एक रख दूंगा इसके लिए। सो आज के लिए फिर बस इतना, देखते भाई ये देखने आया है कि मेरा लिमेंटिया कैसा दिखता है, क्योंकि न्यू है ना बेस पे, उसने कभी देखा नहीं है, मैं खुद पहली बार टेम कर रहा हूँ। सो आज के लिए फिर बस इतना ही, मैं आपसे को मिलता हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तो चले गाइस तब तक के लिए बाय बाय। All of my friends are misleading, all of these posts and the lives they're leading, yeah, oh.